संभावित बाढ़ की समुचित तैयारी की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ बचाव संबंधी संपूर्ण तैयारियां पूरी कर लें, किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी तटबंधों पर निरंतर निगरानी रखते हुए बाढ़ चौकियां, कंट्रोल रूम आदि निरंतर क्रियाशील रखें तथा साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बाढ़ चौकियों पर लगे डॉक्टरों व कर्मियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी निरंतर बंधों का निरीक्षण करते रहें और संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करते हुए उस पर निरंतर निगरानी रखें तथा जिलाधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके बाढ़ बचाव संबंधित लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित की जाए। यदि किसी जनपद का कोई प्रोजेक्ट शासन स्तर पर लंबित हो तो उस संबंध में पत्राचार किया जाए। उन्होंने कहा कि राशन के पैकेट के साथ ही सभी आवश्यक कार्यों हेतु अति शीघ्र टेंडर कराते हुए सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को विस्थापित करने हेतु स्थल का चिन्हांकन तथा अस्थायी शेल्टर सहित समुचित व्यवस्थाओं, शौचालय, पानी, लाइट, भोजन आदि सहित अन्य चीजों को सुनिश्चित करा लिया जाए। सभी उपजिलाधिकारी मौके पर भ्रमण कर स्थानीय लोगों से वार्ता करते हुए उनके ठहरने आदि की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित करा लें। उन्होंने एडी हेल्थ को निर्देशित किया कि सभी सीएचसी और पीएचसी पर सांप काटने की दवा सहित अन्य सभी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखें तथा चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी निरंतर उपलब्ध रहें। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहें। इस दौरान मंडल के देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के जिलाधिकारी भी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। गोरखपुर कमिश्नरी में हमारे कुल 141 तटबंध हैं, जिनकी लंबाई 980 किलोमीटर है। इन पर हमने 94 पॉइंट्स संवेदनशील, अति संवेदनशील आइडेंटिफाइड किए हुए हैं, जिन पर हम कंटिन्यूस विजिट कर रहे हैं। वहाँ सारा स्टॉक, सारी सारी चीज़ें और स्टाफ हमारा तैनात है। और इस वर्ष बहुत जल्दी ही, चूँकि नेपाल की तरफ से बहुत ज़्यादा पानी आ गया, जल्दी बाढ़ आ गया। 15 जून को हमने कुशीनगर में गंडक रिवर में 4,12,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज हुआ, सेफली पास करा, कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस नहीं हुई है। पूरे वर्षा काल में लगातार इस पर मॉनिटर करते रहेंगे, सुरक्षा करते रहेंगे। इश्यूज है तो आप रेज कर सकते हैं, जो सिंचाई विभाग के साथ और किसी भी अन्य विभाग का कोई भी इश्यू है। डीएम कुशीनगर से शुरू करें, जो इस बार जब जो सेंसिटिव पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया था सर, उस पर काम तो कर रहे हैं। जो 4 प्रोजेक्ट्स है जो नाबार्ड से करना है, उसमें थोड़ा देरी से इनको स्विचिंग पॉइंट है सर, जहाँ पे जो हमने जहाँ तक उसका रिमेंटमेंट कर रखा था, उसमें भी कटान अन्य छोड़, बाकी तो सरपंच ठीक है सर, जो सेफ पोजिशन तक लाए हैं। और कोई खास समस्या अभी फिलहाल सर? राजलिंगम, बेसिकली आप चेक कर लीजिए कि जो बाढ़ प्रभावित जो लोग और किसान होंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करना है उसको, किस क्योंकि अभी तो शुरुआत होगी, क्योंकि मानसून का अभी इस साइड में आने का स्थिति अभी शुरू होगी, तो अगले 1 महीने के लिए हम लोगों के लिए बहुत तत्पर रहना पड़ेगा। गाँव में जाना होता है तो जैसे ही अभी जो 4,00,000 क्यूसेक पानी की वजह से जो छोड़ा गया था, उसमें भी ये 500 गांव इनंडेटेड हो गया था, और यहाँ कृषि जो है क्षेत्र है वो भी इनंडेटेड था सर। हमने मीटिंग इस बार वहाँ पे कराया था पहले ही, और ये कहाँ से करेंगे, भूसा कहाँ रखा जाएगा, और यहाँ तक कर दिया था सर जो राशन का जो उठान है छोटेदार को ये परमिशन दे दिया था कि वो 2 महीने का पहले से उसको उठान ले लेंगे, क्योंकि वो परमानेंटली जो फॉर 2-3 मंथ जो है वो क्षेत्र कटा रह जाता है। लास्ट ईयर मुझे पता चला है कि ये लोग जो है 5-6 किलोमीटर जाके, वो भी किसी नदी में जाके, वहाँ के नारंग पंजे में लोगों ने जबरदस्ती उसको काट दिया था, और उसमें भी खैर दर्ज हो गई है, और वहाँ कुछ दैनिक समस्या भी है जिसको बाढ़ में, क्योंकि अभी तो समय नहीं है सर। नहीं सर, वो उसमें जो बंदा के लिए तो कोई वो डैमेज नहीं है।
वर्ष से कोई हमें दिक्कत नहीं है। हाँ जब तक की वर्षा तो काटा नहीं है उसको। हाँ भाई राजीव साहब मेरे हिसाब से मतलब आप तो है ना उनके मतलब कि एफ आई आर तो हो गया तो ठीक है, मगर तत्काल में कार्रवाई के हिसाब से भी ना जाए कि मतलब पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए इस तरीके से मतलब अभी फिलहाल तंग ना करे, क्योंकि लोगों ने मतलब उनको जो भी है कि बाद में ना सब समझा बुझा करके उसको निस्तारण किया जाए।